अभी आपको बिराह रास्त हम पेशावर लिए जा रहे हैं। डीआईजी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चल रहा है। हमारी जो प्रोक्योरमेंट्स हैं वो बाकायदा पेपरा रूल्स के मुताबिक होती हैं, और पेपरा रूल्स की जो प्रोविजंस हैं उन्हीं के अंदर रहते हुए ये प्रोक्योरमेंट्स की जाती हैं। इसमें हम लोकल टेंडर्स देते हैं, इंटरनेशनल टेंडर्स नहीं होते। मेरा ख्याल है कि जो अभी हम आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं ये सफिशिएंट होगी, ये जो खदशात हैं उनके लिए। एक ऐड कर लेते हैं, आप कहते हैं कि जैकेट के वो गोली जो है प्लेस आर पर फिर ये कासिम और ये दूसरा उसका साथी कैसे शहीद हुआ है, क्योंकि उसके जो सर सलामत थे सीने पे गोली के निशान थे। देखिए मैं इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं कांस्टेबल कासिम की शहादत का पर्टिकुलरली, क्योंकि जो जैकेट उसने पहनी हुई थी उसी को बुलेट ने हिट किया है और हेलमेट भी उसी ने पहनी हुई थी। तो दोनों में जो प्रोडक्ट है उसने अपनी अफादियत शो की है, वो आपको हम एग्जिबिट कर रहे हैं। हुआ ये है कि जब ये कॉन्स्टेबल्स जा रहे थे तो इनको मल्टीपल एंगल से इन पे गोलियां बरसाई गई हैं, और पहले वाइटल आर्गन के बजाय इनके जो नॉर्मल बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ हिट हुई हैं, जिससे ये लोग गिरे हैं। और इंटरनल अकाउंटेबिलिटी डीआईजी मोहम्मद सुलेमान पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू का कुछ हिस्सा आपने बराह रास्त मुलाहिजा किया।